हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपको आज का वेदर दिखाती हूँ। चलिए दिखाती हूँ आज का वेदर कैसा है। कुछ इस तरीके का वेदर है आज का। खिलखिलाती हुई धूप है और ये देखिए, और मैंने यहाँ पर पूरा साफ कर दिया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी है यहाँ पर। चलिए चलते हैं आप अंदर। ये देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन, बारिश के बाद में हवा, मतलब थोड़ा ठंडा पन है हवा में। चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। ये देखिए मेरी कैसे बिल्कुल क्लीन, एकदम मैंने साफ़ कर दिया बिल्कुल एकदम अच्छे से। ये देखिए, ये देखो इसके ऊपर के स्टैंड वगैरह सब कुछ ही साफ़ करके यहाँ पर रख दिए हैं। और ये पैदान, चलिए इधर डाल देते हैं इसको। चलिए और ये अपना अच्छे से क्लीन हो गई है। और इधर भी मैंने साफ़ कर दिया। और एक्चुअली उम्मीद जी को जल्दी जाना है तो मैं आटा लगा लेती हूँ। ये नमक ख़त्म हो गया था तो नमक खोल के इसमें कर लेती हूँ। चलिए आटा गूंदने के बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए जीरा भी मैंने कट कर दिया, और फिर जीरा ख़त्म हो गया था तो ये मैंने जीरा इसके अंदर डाल दिया। चलिए और अब इसको रख देते हैं। आयुष पराठे खाएगा क्या? आयुष रेडी हो गया, आयुष का चश्मा बनेगा। तो रेडी कर लिया, ये आयुष बैठ गया, वो स्केटिंग के साथ खेल के सो गई। देखो कहाँ उसके सो गया, परेशान सो गई हमारा। सो जाओ परौंठे। और इधर हमारी बन रही है चाय। चलिए चाय रेडी होती है तो मैं कान्हा जी को पराठा बना देती हूँ जल्दी जल्दी से। और सो गाइस, रात तो किसी ने खाया नहीं था खाना, तो सब्जी यही है। चाय हमारी रेडी हो गई है, उधर सब्जी मैंने गर्म कर दी है। और चलिए चाय करते हैं कान्हा जी को। पराठा उनका रेडी कर दिया है ये देखिए। और चलिए कान्हा जी को चाय पराठा का भोग लगाते हैं सुबह सुबह। चलिए गुनु लो। और गुनु ये देखिए कान्हा जी के इधर सफाई करके और ये दिया चलाएंगे। लो साफ कर दिया गुनु ने, देखो लो। सो गाइज, ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। मम्मा ने बना दिए पराठे क्योंकि डैडी जा रहे थे जल्दी जल्दी इसलिए। और अभी मम्मा गई हैं नहाने, और अभी मम्मा के लिए मैं बनाऊंगी पराठे क्योंकि मम्मा ने जल्दी जल्दी बनाए थे डैडी के लिए, इसलिए फिर दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी मैं डैडी को दे देती हूँ। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, चलिए करते हैं। गुनू चलो बेटा, देखो मेरी साफ़ कर रही है, मेरे लिए पराठे बनाए। अब देखो किचन साफ़ करके तब आएगा मेरा बाबू। आ जाओ बाबू, चलो जल्दी आओ, फिर मेरे डांस के वो स्टूडेंट आने वाली है। सिर्फ यार 10 मिनट भी नहीं है, देखो 12 o'clock होने में। देखो कितना टाइम, ओ 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना है, जल्दी से जल्दी जल्दी करते हैं। सो गाइस बात करती हूँ। ओके बाय बाय बाय। आओ आओ, भूख लग रही है बाबू को। स्नो को, स्नो कहाँ गई? मुझे पता है, देखो वहीं पे बैठी रही आई है। कम स्नो, लुक कम कम जैसे स्नो कर दिया। स्नो कर, दोबारा कर, उन्हें दोबारा कर। सोच रही है भूत आ गए, मैं बचा लूँ, करी उन्हें दोबारा कर। अरे एक बता, एक कुछ मांग दे और एक दब। चल,
नमकीन और इसमें है किशमिश भी, और आयुष किशमिश नहीं खाता है तो मैं उसे देखिए उसके ऊपर प्रैंक करूँगी, कहूँगी आयुष लो बादाम है, तो देखना उसका रिएक्शन देखता है कैसा होगा। चलिए उसको खिलाते हैं नमकीन। और टीवी ऑन है, मैं इसलिए वॉल्यूम कम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ उससे कि वो फिर मेरी आवाज़ सुन लेगा कि मम्मी क्या खिलाएंगी, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। ले मैं जा रही हूँ ऊपर, पहले नमकीन खा ले, ले मैं जा रही हूँ, ले जल्दी। खा नमकीन तो है, बादाम जो दिखाया था पागल बादाम, अरे किशमिश कैसा है, आवाज कम कर इसकी, आवाज कम कर, खा ले ना, खा ले यार, आई गंदी बात। सो गाइस ये देखिए मैंने इसको दिखाया था बादाम और इसको खिला दिया किशमिश, आयुष का फेस देखो कैसा लगा, मेरा मजा कैसा लगा, अच्छी लगी ना, एक और दूं? नहीं है? ले तो फिर बादाम खा ले अब की बार, ना नहीं 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 चाहिए बादाम, अब की बार बादाम नहीं चाहिए भाई बादाम, देख ले झूठ नहीं बोल रही हूँ, चल तू अपना आप ले ले, बस खुश। चलिए चलते हैं, सो गाइस ऊपर चलते हैं छत पर देखते हैं क्या होता है, इतना अच्छा है उधर, हल्के हल्के से बादल हैं रेड रेड, ये देखो वाह कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, देखिए। और ये है हमारी सोसाइटी, ये देखो और ये देखिए अम्मी जी घूम रहे हैं, और ये स्नो छत पर, चलिए मैं भी थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। मच्छर आ रहे हैं ना मेरे ऊपर, आया अभी सो गाइस पता नहीं बारिश में मच्छर आ रहे हैं, पता नहीं मेरे ऊपर आके गिरा भी है मच्छर। और ये बर्ड्स के लिए पानी रखा हुआ है यहाँ पर, इसको नीचे नहीं रखते हैं, स्नो इसमें कूद जाती है इसलिए इसको ऊपर रखा हुआ है बाबू को, ये देखो कैसे, देखो कैसे लेट गई, अब वो नमकीन ऐसे ही पड़ी हुई है, कैसे लेटी हुई है वो नमकीन वहीं पर ऐसे ही पड़ी हुई है, इसने खाई नहीं है बिल्कुल भी, ये देखिए ये देखो खाई नहीं इसने। यहाँ पे मम्मा सो रही है, मतलब ऐसे ले रही है रेस्ट, और यहाँ पे आयुष टीवी देख रहा है, और आयुष को लग रही है बहुत तेज भूख। सो गाइस आप भी, मैं बनाने वाली हूँ पराठे, पराठे पराठे कतई जहर पराठे बनाऊंगी मैं आज आयुष के लिए, आपके लिए नहीं क्योंकि आप तो आ ही नहीं सकते, इसलिए आयुष को बहुत तेज भूख लग गई, इसलिए मैं आयुष के लिए बना रही हूँ पराठे पराठे पराठे, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस ये देखिए आयुष कर रहा है अपना डिनर, देखते हैं क्या कर कैसे बैठी है मेरे बाबू, कैसे बैठा था है? कैसे बैठा था, वहाँ पे भूख लग रही है, ओले ओले ऐसे ऐसे भूख लग रही है मेरे बाबू को है, ऐसे बैठ गया था है, मैं शो ना कैसे बैठा हुआ था, मैंने वीडियो बना रही पीछे देख रहा था है ना, गंदी बात देखो ऐसे ऐसे करती है हाथ पकड़ के पूरा, ओ दोनों हाथ से पकड़ा हुआ देखो ऐसे पकड़ लेती है देखो, ये देखो ऐसी चिकन की कोता, ये पकड़ लिए मेरे हाथ, दोनों हाथ पकड़ लिए देखना देखो, ऑफ ऑफ छोड़ दिया मैंने ऐसे चिल्लाया ना, छोड़ दिया, आ स्नो लग रहा है, लग रहा है स्नो, ओ देखती है एकदम, मैं चिल्लाती हूँ ना एकदम से देखती है, सो गाइज ये देखो अपना फेस, स्नो देखो देखो, सो गाइज ये देखिए स्नो ने मुझे दांत, अभी मैं उसको खिला रही थी तो देखो दांत मार दिए उन्होंने, देख देखिए तरह से यहाँ पे भी दो तीन है ना, यहाँ देख ये देखिए दो तीन भी रहता है बोला, ये देखो एक यहाँ पे रहता है ये और ये देखो निशानी है, देखो देखा वो बस वही देखिए पूरा दांत फाड़ा है इसका, बहुत तेज मुझे मार दिया, बोला है
देखो पूरा, ये देखो दांत मेरा ब्लड, और ये देखो यहाँ मेरा ब्लड है ना, ये देखो पूरा, ये भी उसने किया है पूरे हाथ पे ऐसे, ये देखो इस साइड में, ये उसको खिला रही थी ना, देखो अभी ब्लड आ रहा है अंदर से। ये देखो कितना सारा पनीर खा लिया, कर आप भी खाओ। सॉफ्ट है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे बहुत सॉफ्ट है, ये देखो कान्हा जी को सुला रही है इधर, ये देखो कान्हा जी को सुला रही है, नंगू 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 नंगू, गर्मी हो रही है ना इसीलिए। कान्हा जी का बिस्तर, ये कान्हा जी ये सो गए अपने बेड पे, ये देखो चलिए हम भी सो। सो गाइज डिनर हमारा हो चुका है और कान्हा जी भी सो गए हैं और स्नो भी सोने जा रही है क्योंकि रात को बहुत परेशान कर दिए तो उसको उसके ये बांध दिया उसके गले में पट्टा और वो आराम से सो जाएगी और रात को कुकुत करती है थोड़ा सा, बहुत परेशान करती है। तो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।